वोट नहीं, भूल नहीं था वोट नहीं, भूल नहीं था वोट नहीं, भूल नहीं था वोट नहीं। तो अपने मार्केट जाते हैं और राशन लेने के लिए नौटाई भर पानी में महिला जो की, बच्चे जो की पता चला आपकी ग्राम सभा भी ओजिरमलपुर और हमारा ग्राम सभा रामपुर अंदोई ओजिरमलपुर ज्वाइंट है और हमारा राशन का दुकान ओजिरमलपुर में है। बाढ़ के समय हम लोगों को राशन लेने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इसलिए यहाँ बढ़िया से बढ़िया नया पुल बनना चाहिए। अगर पुल नहीं बना तो हम लोग वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, पुल नहीं तो वोट नहीं देंगे, पुल नहीं तो वोट नहीं। पुल ना होने के कारण हम लोगों को बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ती है, जिसके कारण हमारा 3 महीने हम लोगों का पूरा काम धंधा बंद हो जाता है। हमें घूम के 12 किलोमीटर दूरी तय करके जाना पड़ता है काम पे, बाजार में भी जो धंधा पानी हुआ, बहुत सारा कुछ जो कि हम लोग का सारा जो काम है बिंद्रा बाजार से होता है, मार्केट 3 किलोमीटर दूरी पे है। चला है कि जो बिंद्रा बाजार वाले पढ़ने वाले बच्चे होते हैं सबका स्कूल 3 महीने बंद हो जाता है, 3 महीने स्कूल भी बंद हो जाता है, इसके वजह से हम लोग बहुत दुखी है। अगर पुल नहीं तो वोट नहीं। खबर आ जाके बोले तो ये मगई नदी पे जो छोटा पुल है इसको बड़ा पुल बनाने की मांग है पूरे गांव वालों को, और ये सब लोगों ने संगठन बनाया है कि यानी ये जो पुल बनेगा तभी हम लोग वोटिंग करेंगे, नहीं तो वोट नहीं, किसी भी यानी किसी भी समस्या के जो लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोगों को 3 किलोमीटर के बजाय मार्केट 12 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है पुल की वजह से, पुल जरूरी, पुल नहीं तो वोट नहीं। से पूछना चाह रहा हूँ कि पुल ना होने से क्या क्या दिक्कत होती, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुल नहीं होने से वो दिक्कत बहुत है, क्योंकि जब बाढ़ आ जाती है ये पुल पे पानी चढ़ जाता है, अब पानी चढ़ने की वजह से हम लोग कम से कम 10-12 किलोमीटर दूर होके जाते हैं, जो कि हमको बिंद्रा बाजार जाने के लिए मुश्किल से मुश्किल 2.5 से 3 किलोमीटर का दूरी पड़ता है, हम लोग पहुंच जाते हैं। और पुल नहीं होने के पानी हो जाने के बाढ़ आने से हमारे गांव वाले के आसपास के पड़ोसी लोग को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हम लोग 10-12 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है।